कॉपीराइट विवाद में कांग्रेस को झटका। भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस की नई टेंशन। तेलंगाना से महाराष्ट्र पहुंची भारत जोड़ो यात्रा। तेलंगाना का सफर करके महाराष्ट्र पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का शानदार स्वागत हुआ, लेकिन इस बीच पार्टी को झटका लगा है। कॉपीराइट से जुड़े एक मामले में बेंगलुरु की एक अदालत ने कांग्रेस के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। आरोप है कि कांग्रेस पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा के हैंडल पर फिल्म KGF 2 के गानों के साथ वीडियो शेयर किए गए। बेंगलुरु कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा के हैंडल को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि MRT म्यूजिक कंपनी ने कांग्रेस के खिलाफ कॉपीराइट का केस किया था। आरोप लगाया गया कि फिल्म KGF 2 के गाने और वीडियो का इस्तेमाल हुआ है। उधर इस मामले में कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आदेश की कॉपी का इंतजार है। साफ है कांग्रेस कोर्ट के फैसले को चुनौती जरूर देगी। MRT म्यूजिक ने यशवंतपुर पुलिस स्टेशन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। इस मामले पर कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से CD के माध्यम से ये साबित किया गया कि कुछ बदलावों के साथ गाने के ओरिजिनल वर्जन का इस्तेमाल हुआ है। इस प्रकार के मार्केटिंग वीडियो से पायरेसी को बल मिलता है। कोर्ट ने अपने आदेश में ट्विटर के 2 हैंडल से 3 लिंक हटाने का निर्देश दिया और आगे कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया।